गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th क्लास। स्वास्थ्य रक्षा खंड का में आप पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव पढ़ रहे थे। इसके कुछ टॉपिक आपको 12th क्लास के इसी चैप्टर से मिलेंगे, जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के प्रकार, ये आपको हमने बता दिया था कि 10th प्लस 12th करके हमने डाला, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी कल हम पढ़ाए थे, आज पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रकृति की देन है और प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण में हर घटकों का एक निश्चित अनुपात होता है। जब उन घटकों के निश्चित अनुपात में कोई परिवर्तन होता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, तब क्या होता है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाता है। जैसे वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, वायु में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात है और जब उस अनुपात में कोई परिवर्तन होगा, कोई गैस अधिक हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो जनजीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तब हम कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण हो गया। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, जल मल का दोषपूर्ण विसर्जन, खुले में मल त्याग करना, इससे वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण होते हैं। दूसरी चीज ये कि घर से विसर्जित जो जल है, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो अशुद्ध जल है, या फिर मल जो बड़े बड़े शहरों में सीवेज लाइनें होती हैं, सीवेज पाइपों से होकर के ये मल नदियों में या समुद्र में डाला जाता है, तो वहां का पानी प्रदूषित होता है। जल स्रोतों में जल मल का दोषपूर्ण विसर्जन किया जाएगा तो जल भी प्रदूषित होगा और वायु भी प्रदूषित होगा। दूसरा है घरों से विसर्जित अपशिष्ट पदार्थ। घर में हम साबुन, शैंपू, कीटनाशक दवाएं, फिनाइल, डीडीटी, मच्छर मारने की दवा, ये सब चीज का जब उपयोग करते हैं तो ये सब नालियों में बह करके, जल के द्वारा नालियों में बहते, नाली से नाले में जाकर फिर जल स्रोतों में मिलाया जाता है, जिससे जल स्रोतों का जल दूषित होता है और वायु में भी प्रदूषण फैलाता है। तीसरा है निरंतर बढ़ने वाला औद्योगिकरण। निरंतर औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, कल कारखाने लगाए जा रहे हैं जिससे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचते हैं और कल कारखानों के सायरन हैं, चिमनियां हैं जिससे धुआं निकलता है, ये सब वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। अगला है दहन तथा उससे उत्पन्न होने वाला धुआं। हर गाड़ियों के लिए, जैसे यातायात के साधनों में भी पेट्रोल, डीजल इत्यादि का उपयोग होता है, इनसे दहन क्रिया होती है, दहन क्रिया के फलस्वरूप कुछ धुआं इत्यादि होता है, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में भी चिमनियों से निकलने वाला धुआं। इसके अलावा कुछ भी हम जलाए तो उससे जो उत्पन्न होने वाला धुआं है वो वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। अगला, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उपज के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, फलों में, सब्जियों में या फसलों में, तो ये कीटनाशक दवाएं जो है ये मृदा प्रदूषण करती हैं, वायु प्रदूषण करती हैं, साथ साथ खेतों का जल जब बह करके बरसात के दिनों में नदियों में जाता है तो जल प्रदूषण भी करती हैं। जल स्रोतों में कूड़ा करकट और मृत शरीर बहाना। नगर का कूड़ा करकट जल स्रोतों में मिलाया जाता है, मृत शरीर, शरीर को जलाने के बाद उसकी राख, हड्डियां इत्यादि नदियों में विसर्जित की जाती हैं। जानवरों के शव को गाड़ने के बजाय लोग ले जाकर के जल स्रोतों में बहा देते हैं, इससे जल प्रदूषण और साथ साथ वायु में दुर्गंध फैलती है, वायु प्रदूषण भी होता है। अगला है वनों की अधिक कटाई। वन की कटाई क्यों हो रही है, क्योंकि लकड़ी का उपयोग हम लोग करते हैं, दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर इत्यादि बनाने में लकड़ियों का उपयोग होता है, इसलिए वनों की अधिक से अधिक कटाई हो रही है। दूसरी चीज, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी रहने के लिए लोगों को आवास की आवश्यकता होती है, इसलिए वनों की कटाई अधिक से अधिक हो रही है। पेड़ पौधे जब काटे जाएंगे तो वातावरण हमारा शुद्ध नहीं रह पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे वायु का शोधन करते हैं, वायु
में ऑक्सीजन की मात्रा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जिससे वायु का शोधन होता रहता है और वनों की अधिक से अधिक कटाई कर दी जाएगी तो पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ। कुछ आणविक परीक्षणों के फलस्वरूप कुछ रेडियो पदार्थ बचते हैं, जिससे कि हमारा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है निरंतर, और ये प्रदूषण बहुत अधिक हानिकारक भी होता है। जनजीवन पर प्रदूषण का प्रभाव। पहला है जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण के कारण दूषित जल से होने वाले रोग, दूषित वायु से होने वाले रोग, इस तरह से अशुद्ध वायु से होने वाले रोग तमाम है और अशुद्ध जल से होने वाले रोग तमाम है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। निरंतर अशुद्ध पर्यावरण में या दूषित पर्यावरण में रहने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सिर दर्द, चक्कर आना, पाचन से संबंधी रोग हैं, श्वसन से संबंधी रोग हैं, तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं जिससे जन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर प्रभाव। व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा, निरंतर प्रदूषित वातावरण में रहेगा, प्रदूषित वातावरण में रहने से व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, और लोगों का जब स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा तो निरंतर कार्य क्षमता भी घटती चली जाएगी। कार्य क्षमता जब घटती है तो व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जब कार्य करने की शक्ति नहीं रहती तो व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर नहीं पाता है, और जब अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेगा तो आर्थिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी पैसा कहाँ से वो कमाएगा, चाहे वो खेती करे, चाहे वो कोई भी कार्य करे, चाहे किसी संस्थान में कार्य करे या खेती का कार्य करे या अपना व्यवसाय करे, चाहे जो भी करे, जो भी कार्य करेगा, अगर व्यक्ति की कार्य क्षमता अच्छी नहीं रहेगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, कार्य क्षमता अच्छी नहीं रहेगी तो उसके आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। उसकी आय कम होती जाएगी और उसकी आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाएगी। दूसरी चीज ये भी है कि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो व्यक्ति का धन भी खर्च होगा दवाओं पर, इसलिए और भी आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर को लेकर के हम फिर अगले वीडियो में आपसे जुड़ेंगे।